सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जैन दोस्तों, बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 41,520 पदों के बारे में। यहाँ पे मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि जितने पद खाली रह गए थे, अब उसका आगे क्या प्रोसीजर चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, वो पद भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, अगर भरे जाएंगे तो हम किस प्रकार वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है और किन किन अभ्यर्थियों को वहाँ पे मौका मिल सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, पूरी वीडियो को जरूर देखना है लास्ट तक। और वीडियो अगर आपको सही लगे थोड़ी भी तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अब देखिए, बात कर लेते हैं 41,520 भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, विद प्रूफ, सारे प्रूफ जो भी मेरे पास थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, एकदम क्लियर कर चुका हूँ कि आपके जो पद हैं, लगभग 5,000 से अधिक पद यहाँ पे आपके खाली हैं, 5,000 से अधिक पद आपके यहाँ पे अभी भी खाली बचे हुए हैं। और इन पदों को भरने के लिए काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की अगर कहानी की बात करें तो उन अभ्यर्थियों का मानना ये है कि जब कुछ अभ्यर्थियाँ केस लड़ रहे हैं तो हमें केस लड़ने की ज़रूरत या हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अगर उन्हें नौकरी मिलेगी तो हमें भी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपकी अगर ऐसी थिंकिंग है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 41,520 वाले किसी भी अभ्यर्थी को 5,000 पदों पर कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली है, यानी किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। कारण ये है कि अगर मान लीजिए आप अगर एक साथ होकर एकजुट रहकर अगर काम नहीं करेंगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर बात करें, देखिए मेरिट वाली भर्ती हुई थी, आप सभी को पता है मेरिट वाली भर्ती बिल्कुल रद्द हो चुकी थी, सभी लोगों का मानना था कि भर्ती रद्द हो गई है, कभी भी नहीं होगी, लेकिन आप सभी को पता है आज वो अभ्यर्थी ट्रेनिंग करके अपनी नौकरी कर रहे हैं आराम से और उनकी भर्ती कंप्लीट हुई। वो सिर्फ एक चीज़ का रीज़न था, एक सबसे बड़ा कारण था उसमें मैन पावर, और लोगों ने एक साथ मिलकर एकजुटता दिखाई और उसी की वजह से वो भर्ती थी क्लियर हो गई। लेकिन अभी यहाँ पे 5,000 पद खाली बचे हुए हैं, कुछ लड़के हैं 150 अगर हम कहें 100-200 होंगे जो अभ्यर्थी अपनी जी जान से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी तो बस ये है कि बैठ के आराम से नज़ारा देख रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि भाई ये 200 बंदे काम करेंगे और 5,000 कैंडिडेट नौकरी ले लेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बेचारे 100-200 भी एक दिन थक के बैठ जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, अगर सभी लोग आप काम करेंगे तो 5,000 पदों को भरा जाना निश्चित है, डेफिनेटली 100% मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि 5,000 पदों पर आपकी नौकरी 100% आपको यहाँ पे मिलेगी अगर आप काम करेंगे तो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज आप सभी को ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, ये चीज़ 110% क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे आपके 5,000 पदों पर अभी वैकेंसी आपकी खाली है, क्योंकि सिविल पुलिस की जो वैकेंसी खाली थी उसका प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप बात करें पीएससी के, तो पीएससी के मेडिकल हो चुके हैं तो उसमें भी लगभग इतनी ही वैकेंसी बची हुई है, इसी वजह से कम 5,000 पद अभी यहाँ पे खाली बचे हुए हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने लखनऊ 3 सितंबर को जाके मुख्यमंत्री आवास पे भी जाके वहाँ पे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे कोई नतीजा सामने नहीं आया, इसकी वजह से अब उन अभ्यर्थियों ने डिसीजन लिया है कि वो इसके लिए रिट डालेंगे और हाईकोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट में अपील करने का सबसे बड़ा पंगा ये है कि वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है। जब मैंने इन चीज़ों को एनालाइज किया तो पता चला कि काफ़ी कम अभ्यर्थी हैं जो कि वहाँ पर रिट डाल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर करूँ, कम अभ्यर्थी होंगे तो कुछ नहीं होगा, वही होगा, 4 दिन धक्के खाएंगे और उसके फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने बार अभ्यर्थी हों, 41,520 वाले जो ऐसे अभ्यर्थी हों, मान के चलिए 1 से लेकर 5 नंबर के बीच में जिनके नंबर कम है, भाई उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे 100% मौका हो सकता है। 100% कैसे, अब वो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये, जितने बार अभ्यर्थी जो होंगे वो जब रिट डालेंगे तो सबसे पहला उनका सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि जो ऑर्डर आए वो याचियों के पक्ष में हो, याचियों के लिए हो, ना कि एक जनरल ऑर्डर हो, क्योंकि भाई मेहनत भी यही कर रहे हैं, उसमें इनकी गलती भी नहीं है। अगर आपको हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन आप फसल बोए आप और काट के खाए कोई और, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब ये अभ्यर्थी दिन रात अपनी मेहनत लगे हुए घूम रहे फिर रहे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो इनका टारगेट यही रहेगा कि जनरल ऑर्डर ना होगी, केवल याची ऑर्डर यहाँ पे याची आदेश दिया जाए, जिसकी वजह से जितने बार पिटिशनर होंगे उन्हीं लोगों को नौकरी मिले। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या होगा, लगभग 5 से लेके 5-6 नंबर तक जितने बार कम अभ्यर्थी होंगे सबसे पहले उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो यहाँ पे याची बने होंगे, और याचियों का सिलेक्शन होने के बाद
अगर गवर्नमेंट या कोर्ट चाहेगा तो जनरल ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन उससे नीचे जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें वहां पे सिलेक्शन दिया जा सकता है। तो याची बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा, जब आपका याची ऑर्डर होगा तो सबसे पहले आपको कंसीडर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा और सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा। चाहे ओबीसी एससी जनरल किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आपके 1 से 5 नंबर तक कम है तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर हालत देखें तो बहुत अभ्यर्थी ऐसे धक्के खाते वो घूम रहे हैं और उनकी कोई गलती भी नहीं है। जब 5000 वैकेंसी यहाँ पे खाली है, आप सभी को पता है 41,520 के सापेक्ष में 41,520 अभ्यर्थी ही मेडिकल के लिए पास किए गए थे, तो इन 5000 अभ्यर्थियों की क्या गलती है? जब 41,520 आपने बुलाए तो मेडिकल में तो 100% डेफिनेटली फेल होंगे। ये भर्ती बोर्ड को भी दिख रहा है जानबूझकर यहाँ पर वैकेंसी को खाली रखा गया, जिसके बाद अभ्यर्थी धक्के खाते फिरे और वकीलों के पैसे खर्च करते फिरे। लेकिन अभी वही कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आप लोगों में अभी एकजुटता आई नहीं है, एक साथ एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक साथ मिलकर कोई काम करना ही नहीं चाह रहा है। सबको लग रहा है बस 4 लोग काम करते रहे, हम आराम से बैठ के नौकरी ले ले। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। बट मैं आप सभी लोगों से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5000 पोस्ट पर डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और उन लोगों को भर्ती किया जाएगा अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो। और अगर सभी लोग मिलकर अगर यहाँ मेहनत करेंगे, मैं मानता हूँ 5000 पोस्ट खाली हैं, तो यहां पे अगर मान के चलिए 10,000 अभ्यर्थी जिनके होने के चांसेस हैं, उसमें से 5,000 का ही सिलेक्शन होगा, जितनी वैकेंसी खाली होंगी मान के चलिए। लेकिन 10,000 अभ्यर्थी अगर एफर्ट्स लगा के अगर काम करेंगे तो मैं मानता हूँ 2 से 4 महीने में ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हो सकता है आपका साथ में ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, पीएससी वाले हों या कोई भी हो। अब ऐसे में कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि भाई अगर नीचे से अगर होगा तो फिर तो पीएससी वाले सिविल में चले जाएंगे। पहली बात तो ये भाई, जिसको नौकरी मिल गई उसे नौकरी मिल गई, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। अगर फिर भी उसे पीएससी से सिविल में जाना है तो वो आराम से जाके वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि साहब मुझे पीएससी की नहीं, मुझे तो सिविल की चाहिए, क्योंकि मेरा वहां पे राइट बनता है और वहां पे दो। अगर पीएससी वाले भी अगर ऐसे अभ्यर्थी अगर खड़े हो जाएंगे वहां पे 5000 वैकेंसी खाली हैं, उन वैकेंसी पे कंसीडर किया जाए तो पीएससी की वैकेंसी खाली हो जाएंगी, नीचे वाले 5000 अभ्यर्थी तो भाई ऐसे हैं, चाहे इन्हें सिविल मिले या पीएससी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे अभ्यर्थी अब इन्हें पीएससी मिल गई है तो अब इन्हें सिविल की तमन्ना होगी और जब सिविल मिल जाएगी तो इन्हें सब इंस्पेक्टर बनना होगा, सही भी है। लेकिन जो अभ्यर्थी जिसे सिलेक्शन नहीं मिला उसे तो 5000 पदों में आप पीएससी दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हुए एक ही बात का निष्कर्ष निकलता है कि आप लोगों में अभी एकता की कमी है और एकता की ही कमी की वजह से कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि लखनऊ अगर 3 सितंबर की बात करूं तो वहां जिस हिसाब से उम्मीद थी उस हिसाब से अभ्यर्थी भी वहां पे नहीं पहुंचे थे। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने दिखाया कि वो लोग कभी भी किसी भी टाइम काम आ सकते हैं और वहां पे पहुंचे भी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी तो जिनका नामो निशान वहां पे नहीं था। तो भाई नौकरी चाहिए तो एक साथ सबको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर सब एक साथ मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको नौकरी लेने से तो कोई रोक नहीं पाएगा और 5000 पदों पर आपको पोस्ट यहाँ पे जो आपकी भर्ती होगी वो होकर रहेगी। उम्मीद करता हूँ इस सब के बाद आप लोग घर बैठेंगे नहीं, भाई सभी लोगों के साथ मिलकर रेट डालेंगे। मान के चलिए 2 से 3 हजार रुपये अगर आपके खर्च होते हैं, मैक्सिमम मुझे लगता है 4000 रुपये खर्च हो जाएंगे एक अभ्यर्थी के, तो मान के चलो भाई 4000 रुपए खर्च हुए। आप जब एक फॉर्म भरते हैं 100, 200, 500 उसकी फीस पे करते हैं, फिर रिटर्न एग्जाम देने जाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, 50,000 रुपए शायद आपने खर्च कर दिए होंगे। लेकिन अब जब 4000 रुपए में आपको नौकरी मिलने की बात आ गई तो आप पीछे हटने लगे। रिस्क तो भाई हर चीज में होती है, अब 100% नहीं कहूंगा लेकिन 4000 में 50% आपकी नौकरी कन्फर्म है, क्योंकि 50% कैंडिडेट को नौकरी मिल ही जाएगी। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फुल एफर्ट्स लगा के एक बार मेहनत करके ट्राई करिए भाई, डेफिनेटली आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। सभी लोग मिलके एक साथ रेट डालिए और अलग अलग कुछ मैं तो यही कहूँगा कि 3 से 4 जगह रेट डाली जानी चाहिए अच्छे, जितने बार एडवोकेट हैं उन सभी एडवोकेट को 500-600 के मंच में सभी अभ्यर्थी जब रेट डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी मैन पावर ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि मान के चलिए 500 अभ्यर्थियों ने एक वकील पर डाली, फिर 500 और गए उन्हीं के पास डाल दी,
तो आपका एडवोकेट तो एक ही है, आपकी संख्या ज्यादा हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मेन चीज ये याद रखना कि आपकी जो रिट पढ़नी चाहिए वो कम से कम 4 से 5 एडवोकेट के पास होनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो आपके जब भी खर्च हो रहे हैं और तब भी खर्च हो रहे हैं। तो 500 अभ्यर्थी एक जगह डाल दें, 500 अभ्यर्थी दूसरे एडवोकेट के यहाँ, 500 तीसरे के यहाँ, इस प्रकार से रेट डालेंगे तो आपके जो एडवोकेट होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे और उससे कि केस में एक दबदबा बना रहेगा और आपका जो पक्ष होगा वो भारी रहेगा, जिससे कि आपके पक्ष में ही फैसला होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आप बैठेंगे नहीं और मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद रेट भी डालेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको नौकरी भी जरूर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करें ना करें लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी अभ्यर्थियों को पहुंच सके, और हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी जरूरतमंद को यहाँ पर नौकरी मिल जाए। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।